एवरीवन, तो आज हम देखने वाले पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड नंबर 26 का रिव्यू। तो ये एपिसोड थोड़ा कॉमेडी था और अगले एपिसोड में रेहन वर्सेस हम रियन देखेंगे। तो हमारी सोच होती है टीम लॉकेट के उसे जो जैसे बोलती है मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तुम भी बोर हो रही हो, ये सब बोलती जैसी। तो बोलते कोई घंटी पसंद लगे तुम देखो, तो वहाँ पे वो टीम लॉकेट जो मशीन आती है ना जब पीछे पोकेबॉल निकालते हैं वो आती है। और फिर जेम्स बोलता है आज क्या क्या होने वाला है, तो आज होने वाला है दो एपिसोड एक साथ में। तो हमारे जो एस और गो है वो देखते हैं एक कंप्यूटर भाग लेने वाली जिसका नाम है कौन सा मैजिक आप सबसे ऊपर कूदेगा जंप करेगा। तो गो भी अपने मैजिक निकालता है। अब एस बोलते हैं बहुत झाड़ा है, तो बोलता है हम इसकी एक सीक्रेट ट्रेनिंग करेंगे जिससे बहुत पतला हो जाएगा, बहुत फुर्तिल हो जाएगा, ये सबसे फेमस ट्रेनिंग है जिससे सिक्स पैक ऐप निकल आते हैं पोकेमॉन के। तो ये सबसे खास ट्रेनिंग पोकेमॉन की जंपिंग करने वास्ते। और आज हम आग लगा दें स्टेडियम के अंदर, तो जो हमारा मैजिक का ट्रेनिंग करना चालू कर देता है टूर्नामेंट के वास्ते, वर्कआउट जिम हर चीज़ करता है। और उसको लगता भी, उसे रोने भी लगता है, पन वापस खड़े होता है और बोलता है मैं वीक नहीं हूँ, ऐसा बोल के हर कोशिश करता है, बहुत ट्रेनिंग करता है। और फाइनल उसके सिक्स पैक निकल आता है, एस लोग सिक्स पैक निकल आते हैं। तो हम वो कॉम्पिटिशन के अंदर आते हैं जहाँ पे एस लोग भी है, तो कॉम्पिटिशन देखते हैं। फिर उनके सामने मैं एक मैजिक का दूसरे मैजिक का चैलेंज कर रहा है कि सबसे ऊँचे कौन जंप मारे यहाँ। तो वो बोलते हैं तुम हार नहीं सकते, गो करो तुम। तो वो जंप करते हैं, रेडी स्टेडियम बोलते हैं और फिर वापस जंप करते दोनों। तो जो मैजिक वहाँ पर थोड़ा ऊपर जाता है और इसका हाइट रहती है 19.9 मीटर और जो हमारी गो की रहती है 21.2 मीटर हाइट रहती है। हम बोलते हैं अगला मैच तुम्हारा चैंपियन से रहेगा, इस मैच में चैंपियन जीते हैं इसलिए। तो मैं उस चैंपियन का मैच जब कोई रेस करता है उसको हरा देता है, उसको मजाक उड़ाने लगता है। तो बोलते तुम इस बार हरा देंगे और तुम्हारा मैच जगह बहुत खास है लग रहा है मुझे। हाँ बोलते ऐसा बात करते मैं तुम्हें हरा दूंगा इस बार, हाँ तुम रोना मत, ये टूर्नामेंट में तुम्हारी जो इस टाइम पावर है वो उसको रेस करना, अपने लिमिट से ऊपर निकल जाना। तो वो अंटिल सर पार करते हैं, जो जो है विंग में से कुछ निकालता है लोहे के भारी जिंदार, जिसे देखिए बोलता है ये तो मैंने पे जंप करने छुपा रखा था अपने पोटेंशियल कम करने के वास्ते, कि तुम्हें हराने के वास्ते। ये सब चीज़ ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। और ये इतने भारी थे जो माचम उसको उठाए जाते तो वो माचम की कमर टूट जाती है। अब फिर वो माचम को उठाया जाते हैं, हाउ तो माचम आते हैं उसको उठा ले जाते हैं दवाखाने के अंदर। तुम रेडी हो? तो बोलता है तुम्हारा मैच का बहुत हाई जंप मार सकते मेरे ख्याल से, ऐसा बोलते है आदमी। तो दोनों जंप के साथ रेडी होते ही फिर वो जंप मारता है, वो बोलता है तुम जंप नहीं मार रहे हो, फिर बोलते हैं मैजिक का अपग्रेड हो जाओ तुम। और फिर वो इतनी ऊँचे जंप मारता है कि मैजिक का घुमा डालता है वो, हम मैजिक का नीचे गिर जाता है। हाँ इतनी लंबी जंप थी कि जाके वो स्पेस में चल जाता है सीधा और जीत गया। पन वो बोल पन वो बात करते हैं क्या वो बातचीत करते हैं और ऐसा बोलते हैं वो इतने ऊपर तो गया है पन वापस नहीं आया इसलिए इसका रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए वो इसका इसलिए आदमी जीतता है। अब अपने स्टोरी होता है उसकी तरफ हमने बहुत मेहनत करी थी, वो एक स्टार था और उससे हमारी याद आएंगी और उसकी अच्छी मेमोरी हमारे साथ रहेंगी। तो फिर वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है एस, और एपिसोड ही पूरा जाता है। नहीं नहीं रुको रुको रुको, एपिसोड पूरा नहीं हुआ। तो फिर हम एक आइलैंड में रहते और आइलैंड पर बहुत सारा स्लो पॉक रहता है, स्लो पॉक का गाना चलता है, अजीब सा गाना चलते अच्छा गाना रहता है, तुम सुन लेना लेकिन पसंद कर दूँगा एपिसोड की, देखा तो अच्छी बात है एपिसोड। तो ऐसा पे एक मैगी का कैन लाता है उसको खाने बैठ जाता है मैगी को। हाँ वो बोलते तुम एक कैन खा रहे हो मैगी को, और आप एक स्लोकिंग आते हैं वो भी मैगी खा मैगी खाते हैं वो भी मतलब नूडल्स है, पर मैगी बोल रहा था मैं ऐसा कोई बात नहीं, मैगी बोलोगे नूडल्स बोलोगे एक ही जैसे आप दोनों, बस स्वाद अलग आता। वो बोलते तुम्हारा कोई चाहिए, तो बोलते हाँ बोलते हैं, वो उसकी जो मैगी वो खा लेते हैं और उसको टेस्टी लगता है और वो बहुत खुश होता है उसको खा के। तो वो इतना पागल स्लोकिंग है, तो वो उसके जो वो रहते हैं गद्दी मतलब ताज वो ऐसको देता है और उसको नौ राजा बन जाता है। और ये पेन के ऐस बौखला जाते पूरा अजीब हरकत करने लगता है। वो बोलते मेरे से कुछ गलत है क्या, वो बोलता है मैं अपनी जो चैंपियनशिप है वो सब पूरा कर दूँगा, हाँ मैं बहुत फनी हूँ, बहुत अजीब बातें कहने लगते हैं वो। हाँ बोलता है तुम्हारे से बहुत अजीब है, तुम उसको उतार दिल्ली हो उसको, पर वो बच के निकल जाता है। अब बहुत ट्राई करता है पंजाबी निकलता नहीं है, अब बोलते उसको सिर्फ निकालना पड़ेगा, जैसे निकालने के एस को झटके देता है, पर एस को झटके नहीं लगता, बाकी दूसरे पोकेमॉन झटके लग जाता है। और वो बहुत ट्राई करता है पर निकलते नहीं है। और बाद में जो हमारा रैबिट उसे पीछे लाता है और बोलता है तुम मारो उसे, और मारता है तो वो लगता है उसे सिर निकल जाती है और जाके गो को सिर में लगता है। तो वो बोलता है डिटेक्ट लॉ ऑफ द चार, फिर वो फिर से मारते हैं तो पिकाजी के सिमिलर लगती है, तो पिकाजी जो ठंडा स्ट्रोक देता है तो उस निकल के
रेबोट की स्पीड लगता है और रेबोट घूम के फिर से डालता है तो वो एस की स्पीड जाता है और ऐसे 15 मिनट 5-10 मिनट ऐसे ऐसे चलता है, इसके टॉप उसके सर तो बहुत देर चलता है और फिर वहाँ पर स्लोकिंग आता है। फिर अचानक जो मैजिक जो स्पेस में गया था वो पर रिटर्न आया था और फिर वो जाके एस को टकराता है और जो ताज है स्लोकिंग को वापस मिल जाता है उसको और सब नॉर्मल रहता है। उसके सिर पर मैजिकर भी रहता है जो स्पेस के अंदर गया था गोको मैजिकर। और फिर से हम टीम रॉकेट के बेस में आते हैं और बोलते मैं अभी फिर से बोर हो रही हूँ तो फिर बोलते कोई आया है बाहर जाके देखो। तो बाहर जो आदमी मालूम कौन रहता है, जो रहता है चैंपियन मैजिक कंपटीशन का वो रहता है बाहर और एपिसोड हिप हो जाता है। तो ये सबसे फालतू एपिसोड रहा था, मैं जितने भी एपिसोड देखे उसके अंदर से। तो फिर कुछ अच्छा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब कर देना, 15 लाइक कर देना, जल्द पकड़ देना और गुड बाय।